इस आदमी को फिर भूख लगाई है, आदमी ने पैदल घुमा दिया मेरे को। भाई चाइनीज वालों ने LG का स्टोर भी नहीं छोड़ा। तथा गाड़ी बंद हो चुकी है देख के। टीवियां देखो भाई, सब टीवियां सोच समझ के आना, काफी ढूंढ हैं। गैस वाले भी हैं, लाइटर वाले भी हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम जा रहे हैं फ्लिपकार्ट के हब, तो वहां से हमें एक फ्रिज लेना है। सो देखते हैं क्या प्राइस डिफरेंस रहता है मार्केट से। सो चलते हैं। तो गाइज इस बंदे के चक्कर में हमें लंच ब्रेक लेना पड़ा है अभी निकलते ही। ये फेमस कर दूं तुम्हें, फ्री में नहीं खिलाऊंगा। भैया के छोले कुलचे जरूर ट्राई करना गाइज, बड़े पाव वाली दीदी से तो बहुत ही अच्छे हैं। मगर भैया फ्री में नहीं खिलाएंगे, देखो भैया इनको देखो देखो देखो। ब्लॉगरों के लिए 2000 रुपये प्लेट, 40 की है। तो हाँ छोले कुलचे तो खा लिए हैं, अभी चलते हैं अपन, तो दिखा दूंगा आपको रास्ता। अबे भाई डब्बे का है, वो कार्टून का प्राइस है। इसका अलग है प्राइस। हाँ तो इस पे देखो ना ऑनलाइन कितना है। कौन बताएगा? माइक्रोवेव वगैरह ये मतलब सब कुछ अभी पुरानी है, बट आपको नया चाहिए तो नया मिल जाएगा। और गैस चूल्हा वगैरह देखिए इधर इस साइड पे, गैस चूल्हा वगैरह रखे हैं। इलेक्ट्रिक वाले भी हैं, गैस वाले भी हैं, लाइटर वाले भी हैं। ये कौन सी कंपनी है? मेड इन इंडिया। मैंने तो नहीं सुनी गाइस। गाइस आपने सुनी हो तो आप मुझे जरूर बताना। फास्ट कूल। यहाँ पे एसी वगैरह तो कुछ मतलब खास कंपनी के हैं नहीं। वर्लपूल वगैरह के, सैमसंग वगैरह के जो थे उन पर काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह थे, तो आने का शायद फ़ायदा हुआ नहीं। मेरे गर्मी में हालत तो ख़राब हो गई। बाकी आप सोच समझ के आना, काफ़ी ढूंढना पड़ता है, अभी हम ढूंढ ही रहे हैं। ये देखो टीवियाँ कैसे रख रखी है भाई, हालत
ख़राब हो रखी है पूरे सामान की, नया हो पुराना हो। भाई साहब टीवियाँ देखो, टीवियाँ देखो भाई साहब, टीवियाँ भाई साहब ये देखो, हर साइज़ में, हर साइज़ में मिल जाएगी आपको, वन प्लस में, TCL में, सैमसंग में, MI में, भाई भरमार टीवी होगी, तो टीवी देखने वालों की तो मौज ही मौज है। ये ब्रेक केस का सेक्शन है पूरा, ये कांच के ग्लास वगैरह, क्रॉकरी वगैरह जो भी आपको चाहिए हो, पूरा सेक्शन क्रॉकरी का है। और इस साइड से शायद ये हीटर वगैरह, यार सर्दियों में आना चाहिए था, फायदा हो जाता थोड़ा सा। अभी काफ़ी सामान उतर रहा है बट हमें कुछ फ्रिज समझ में आया नहीं। कुछ नई टीवीज भी हैं, फैन भी है, और अभी पीछे ऐसे देख रहे हो ये उतार रहे हैं भैया, ये वाला वर्लपूल का फ्रिज है, बट अभी हमें कुछ समझ में नहीं आया अभी तक को। अभी काफ़ी कुछ उतर रहा है, उतरा नहीं है। टीवी और फ्रिज के लिए तो काफ़ी मतलब बेटर प्लेस है, काफ़ी अच्छा है, कुछ मिल जाएगा आपको। अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए टीवी लेना चाहते हो या फ्रिज वगैरह, तो अच्छा मिल जाएगा काफ़ी। अभी भैया से बात हुई है हमारी, तो भैया ने बोला है कि आप मंडे को आओ, तो अभी कुछ और पीसेस आने वाले हैं फ्रिज के, तो मंडे को आते हैं, मंडे को देखते हैं क्या कुछ नया मिलता है। हो चुकी है गाइस आधे रास्ते में। बैटरी वाली गाड़ियों का भरोसा ना करें, कृपया पेट्रोल वाली गाड़ी ही चलाएं। हेलो हेलो भाई, मुझे घर आना भाई भाई। तो पेट्रोल भी नहीं डलती इसमें, तो भाई लोग मत लेना, बैटरी वाली पे भरोसा ना करें और ऐसे लोगों पे भी भरोसा ना करें भाई, घर आना मेरे को। गाड़ी बंद हो चुकी है और घर वाले आ नहीं रहे हैं, क्या करना है देखते हैं गाइस। एक तो ब्लॉगिंग करते करते गाइस गाइस क्यों निकलने लग गया मुंह से। हेलो कांटेक्ट करने में लगातार हम लगे पड़े हैं, हमारा भारी दुनिया से संपर्क टूट चुका है और हम फंसे हुए हैं, होता है बैटरी वाली गाड़ी लेने से। अब हम रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं से चाइंग पे लगाने, उसके बाद कहीं हो जाएंगे। सचिन भाई देख के सचिन भाई गाड़ी लग चुकी है चाइंग पे गाइस, खुशी की बात है, खुशी की लहर आ चुकी है पब्लिक में। तो तब तो हम मार्केट में घूम रहे हैं, देखते हैं कुछ पसंद आ जाए। अभी LG जा रहे हैं तो LG में पता करते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। बाकी इस आदमी ने पैदल घुमा दिया मेरे को, बद्दुआ लगे इस आदमी को मेरी बद्दुआ। भाई चाइनीज वालों ने LG का स्टोर भी नहीं छोड़ा, पता नहीं क्या खाने में लगी पड़ी है। आदमी को फिर भूख लगा ही है, गोलगप्पे की दुकान पे रुक के आदमी कह रहा है मुझे खिलाओ। तो काफी ढूंढने के बाद फ्रिज मिल चुका है गाइस, और थोड़ी देर में ही भैया शिफ्ट करने वाले हैं, आ जाएगा।